देवरिया के परसिया करकटई ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी निर्माण में हुआ जमकर भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास और बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। इसी के तहत देवरिया जनपद के बटनी ब्लॉक के परसिया करकटई ग्राम पंचायत में एक नया आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य गाँव के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण सेवा उपलब्ध कराना था। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है, क्योंकि इसके निर्माण के कुछ ही दिन बाद दीवार में दरार आ गई है। तब हुआ जब केंद्र का उद्घाटन भी नहीं हुआ, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों में इतनी जल्द दरार आना यह स्पष्ट करता है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अगर सरकारी मानकों के अनुसार निर्माण किया गया होता तो दीवारों की यह हालात नहीं होती। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दीवार किस तरह से कमजोर रह चुकी है, किसी समय ढह सकती है। इससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है। इस मामले में जब ग्राम प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार में आई दरार सरकार के धन का दुरुपयोग है, निर्माण में हुई भारी लापरवाही का प्रतीक है, एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि यहां सुरक्षित नहीं रहा तो बच्चों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जो सरकारी भवन बनते ही टूट जाते हैं। ताजा मामला देवरिया जनपद के भटनी ब्लॉक के अंतर्गत परसिया करकटही का है और ये देख सकते हैं कि अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और ये देखिए पूरा ये फट गया है, पूरा टूट रहा है और अंदर से आपको दिखाएं तो अंदर थोड़ा सा जाइए और ये अंदर की तस्वीरें हैं। अभी ये उद्घाटन भी नहीं हुआ है और देखिए अभी से इसमें क्रेक आने लगे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने दिन तक टिकने वाला है और जो सरकार की जो पैसा है किस तरह से बंदर बांट हुआ है। इसमें जो ग्राम सचिव से लेकर तमाम अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही है। ये लाखों की जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से टूट गई और इधर दिखाएं तो आपको यहाँ भी देख सकते हैं कि जो इसकी जो गुणवत्ता है कहीं ना कहीं ये जो सरकार की मानक है उसके विरुद्ध नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे तमाम अधिकारी इस भवन को लेकर क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि शहीद शंकर शाह रघुनाथ आदर्श लर्निंग लेब आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया परसिया करकटही, जहां ये भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है, जिस वजह से अब ग्रामीण लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार का ये पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और जो निर्माण होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई है। फिर आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से दीवार में क्रेक आ गए हैं और ज़्यादा बारिश हो या तो दीवार गिर भी सकती है। वहीं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और इस तरह की भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में ना हो। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।